मैं इसलिए वेद की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस शायर को बुलाने जा रहा हूँ उनका तकल्लुस भी वेद है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं विक्की मधेशिया वेद की बात कर रहा हूँ। जब आप विक्की मधेशिया वेद को सुनेंगे तो साहित्य और संगीत दोनों का संगम किसी संस्कार के होने का अनुभव कराएगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विक्की मधेशिया वेद। आप सभी को नमस्कार। माँ सरस्वती को प्रणाम। और इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं पंडित मदन मोहन मालवीय को नमन। मैं सोच रहा हूँ बात की शुरुआत कहाँ से की जाए। वैसे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसके लिए तर्ज सुखन टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और ढेरों मुबारकबाद इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। मैं देखता हूँ हर बार तर्ज सुखन की एक नई टीम बनती है और एक नए तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और वो पूरी तरह से जो है अपने कामना में सफल भी होते हैं। तो इसी तरह के कार्यक्रम और भी आगे हो इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ और आप इस बात पर ताली बजा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए लेकिन वक्त की कमी है। गौतम ने बहुत अच्छा पढ़ा, मुझे नहीं पता कि गौतम की दुनिया कितनी झूठी है कितनी सच्ची है, लेकिन गौतम के शेरों पे जो तालियां बजी वो बहुत ही सच्ची थी और शेर बहुत अच्छे थे। और दुनिया की बात अंकित मौर्य भाई जब आएंगे तो वो करेंगे, अब वो फिलासफी के छात्र हो गए हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और अपनी कुछ शेरों के माध्यम से बात करता हूँ। ये जो दौर है प्रदर्शन का दौर हो गया है, जबकि होना तो चाहिए था पहले दर्शन उसके बाद प्रदर्शन, क्योंकि दर्शन में जब हम प्र शब्द जोड़ते हैं, प्र उपसर्ग जोड़ते हैं तब प्रदर्शन बनता है, लेकिन ये दौर बदल चुका है। तो उसी दर्शन को रिलेट करते हुए मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा और उसके बाद आगे एक दो गज़ल पढ़ूँगा कि दिखावे की इस दुनिया में, दिखावे की इस दुनिया में दिखाने पे मैं हंसता हूँ, दिखावे की इस दुनिया में दिखाने पे मैं हंसता हूँ, जमाना मुझ पे हंसता है जमाने पे मैं हंसता हूँ। दिखावे की इस दुनिया में दिखाने पे मैं हंसता हूँ, जमाना मुझ पे हंसता है जमाने पे मैं हंसता हूँ, और हंसी से राबता मेरा फकत इतना ही है यारों, हंसी से राबता मेरा फकत इतना ही है यारों, कोई हंस दे हंसा दे तो हंसाने पे मैं हंसता हूँ, कोई हंस दे हंसा दे तो हंसाने पे मैं हंसता हूँ। एक मतलब और एक शेर और सुने कि माजी गवां के हाल को पाने में लगे हैं, माजी अतीत और हाल वर्तमान, माजी गवां के हाल को पाने में लगे हैं, अब जाके मेरे होश ठिकाने में लगे हैं, माजी गवां के हाल को पाने में लगे हैं, अब जाके मेरे होश ठिकाने में लगे हैं, और तुमको तो फकत शम्स बचाने की पड़ी है, तुमको तो फकत शम्स बचाने की पड़ी है, एक हम है जो जुगनू भी बचाने में लगे हैं, एक हम है जो जुगनू भी बचाने में लगे हैं। बेहद शुक्रिया। कुछ एक आध गज़ल सुन लें उसके बाद गाकर पढ़ देता हूँ। सुने शेर कि वफा की सफ में जो बैठा हुआ है, अगली सफ की बात नहीं कर रहा हूं, वफा की सफ में जो बैठा हुआ है उसी के साथ बस धोखा हुआ है, वफा की सफ में जो बैठा हुआ है उसी के साथ बस धोखा हुआ है, और मोहब्बत करने वाला एक लड़का, मोहब्बत करने वाला एक लड़का मोहब्बत नाम से सहमा हुआ है। शुक्रिया। मोहब्बत करने वाला एक लड़का मोहब्बत नाम से सहमा हुआ है, और हमारे दरमियां तो इश्क था ना, हमारे दरमियां तो इश्क था ना, हमारे दरमियां ये क्या हुआ है, हमारे दरमियां तो इश्क था ना,
हमारे दरमियाँ ये क्या हुआ है, और जिसे दरिया समझकर छेड़ते हो, जिसे दरिया समझकर छेड़ते हो, समंदर है अभी ठहरा हुआ है। जिसे दरिया समझकर छेड़ते हो, समंदर है अभी ठहरा हुआ है, और हमें गम दो गजल देंगे तुम्हें हम, हमें गम दो गजल देंगे तुम्हें हम, गजल का गम से ये सौदा हुआ है। शुक्रिया। हमें गम दो गजल देंगे तुम्हें हम, गजल का गम से ये सौदा हुआ है। बेहद शुक्रिया आप सभी का। कुछ गजल तरन्नुम में पढ़ देता हूँ, सोच रहा हूँ कौन सा पढ़ूँ, पर कोई तो पढ़ना ही होगा। सुन लीजिए। कि दिल मेरा बेकरार रहता है, दिल मेरा बेकरार रहता है, एक तेरा इंतजार रहता है, दिल मेरा बेकरार रहता है, एक तेरा इंतजार रहता है, क्यों नहीं मिलता वो हकीकत में, क्यों नहीं मिलता वो हकीकत में, टूट कर जिससे प्यार रहता है, टूट कर जिससे प्यार रहता है। आज समझा हूँ बात ये आखिर, आज समझा हूँ बात ये आखिर, आज समझा हूँ बात ये आखिर, क्यों कोई सोगवार रहता है, क्यों कोई सोगवार रहता है, एक तेरा इंतजार रहता है। और शेर यूं है, तरबियत दिल की मेरी ऐसी है, तरबियत दिल की मेरी ऐसी है, तरबियत दिल की मेरी ऐसी है, गम का हर पल शिकार रहता है, गम का हर पल शिकार रहता है। और आखिर शेर यूं है, कि दिल की किस्मत में जो नहीं होता, दिल की किस्मत में जो नहीं होता, दिल की किस्मत में जो नहीं होता, ऐसे फूलों से प्यार रहता है, दिल मेरा रहता है। बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। बाबू सोना की बात कर रहे हैं, अंकित भाई दुनिया की बात कर रहे हैं। कौन सा वाला भैया? बाबू सोना। तो उसके, हाँ उसके दो शेर पढ़ दे रहा हूँ मैं, और ये इस दो दो शेर पढ़ दे रहा हूँ, दो दो शेर सुन ले। हाँ वो भैया फ्रेशर हिंदी विभाग में है। सुने। कि सीधी सादी दुनिया मुझको सीधा सादा कहती है, बहुत ही सीधी सादी गजल है। सीधी सादी दुनिया मुझको सीधा सादा कहती है, खुद को राजा समझ कर अक्सर मुझको प्यादा कहती है। सीधी सादी दुनिया मुझको सीधा सादा कहती है, खुद को राजा समझ कर अक्सर
मुझको प्यादा कहती है, बात करूं गर लाख पते की तो कहती है मत बोलो, बात करूं गर लाख पते की तो कहती है मत बोलो, बोल पढ़ूं गर सच्चाई तो मुझको बाधा कहती है, सीधी सादी दुनिया मुझको सीधा सादा कहती है, खुद को राजा समझ कर अक्सर मुझको प्यादा कहती है, मैं जब भी उससे कहता हूँ हम भी जुदा हो जाएंगे, मैं जब भी उससे कहता हूँ हम भी जुदा हो जाएंगे, उसके बाद तो मत पूछो वो लड़की क्या क्या कहती है, उसके बाद तो मत पूछो वो लड़की क्या क्या कहती है, इश्क की पहली शर्त है ये एक रोज जुदा हो जाना है, इश्क की पहली शर्त है ये एक रोज जुदा हो जाना है, ये बातें बस मैं नहीं कहता सारी दुनिया कहती है, ये बातें बस मैं नहीं कहता सारी दुनिया कहती है, और आखिर शेर, बाबू सोना जादू टोना ये सब मुझको ज्ञात नहीं, बाबू सोना जादू टोना ये सब मुझको ज्ञात नहीं, मैं उसको राधा कहता हूँ मुझको काना कहती है, मुझको काना कहती है। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, सभी का शुक्रिया, शुक्रिया। चलिए, ये तो हाँ, ये तो कहने सुनने की बात हो गई, दो तीन शेर उस गज़ल की बात कर दे रहा हूँ मैं, जो ज़रूरी बात है, सुनिए भैया। हाँ बताता हूँ सुने कि ये खुमार बारा बंकवी की तर्ज पर ये गज़ल सुने कि मोहब्बत से किसको, मोहब्बत से किसको मुरब्बत नहीं है, मोहब्बत से किसको मुरब्बत नहीं है, मगर दिल लगाने की फुर्सत नहीं है, मोहब्बत से किसको। और शेर सुनिएगा जो समाज में सच है कि अदावत किसी से खुलेआम कीजे, अदावत किसी से खुलेआम कीजे, मोहब्बत की लेकिन इजाजत नहीं है, मोहब्बत से किसको मुरब्बत नहीं है, मगर दिल लगाने की फुर्सत नहीं है। और आखिर शेर सुन लें, स्क्रीन पे दिख रहा है कि किसी रोज तुमको मिले गर खुदा तो, किसी रोज तुमको मिले गर खुदा तो, ये कहना कि दुनिया सलामत नहीं